हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरा इस चैनल टेक्निकल सपोर्ट में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच हिडन फीचर्स, या तो आप सीक्रेट्स भी कह सकते हो, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है और शायद ही आपको इसके बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर को खोल लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एडल्ट रेस्ट्रिक्शंस। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपना सेटिंग्स पे। आप ऊपर लेफ्ट साइड ये थ्री एरो जो है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे पहले तो आप अपना प्ले स्टोर को अपडेट कर लीजिए। यदि आपका प्ले स्टोर अपडेट नहीं है तो अपडेट करने के लिए आपको प्ले स्टोर वर्जन पे जाना होगा। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट करने के लिए। मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो मुझे अपडेट करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी आप सेटिंग्स पे हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहला फीचर्स जो है, मैंने जैसे कि बताया कि एडल्ट रेस्ट्रिक्शंस, तो इसके लिए पेरेंटल कंट्रोल्स दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद ये जो आपका पेरेंटल कंट्रोल्स आर ऑफ दिखाई दे रहा है ऊपर पे, ये आपको एनेबल करना होगा। एनेबल करने के लिए आपको एक पिन क्रिएट करना होगा। सपोज कि मैं कोई भी एक पिन दे देता हूँ 9856। ओके पे क्लिक किया, फिर एक बार मुझे देना होगा। तो दो बार मैंने डालने के बाद ये एनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे ऐप, गेम्स, मूवी, म्यूजिक जो भी है ये अभी रेस्ट्रिक्शन मोड पे है। तो आप जैसे कि एप्लीकेशन पे आप क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एज भी दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप सेटअप कर सकती हो आसानी से। तो यदि आप पेरेंट्स हो और आप चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो एडल्ट एप्लीकेशंस, गेम्स, मूवी ना देखें, तो ये पेरेंट कंट्रोलर्स आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। तो दूसरा हिडन फीचर्स है अर्ली एक्सेस ऐप। इसके लिए हमें बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद आप जब भी प्ले स्टोर खोलते हैं तब आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये आपको जो ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसे आप स्क्रॉल करती हो तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है अर्ली एक्सेस, यहाँ पे आप क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे अर्ली एक्सेस, स्काइप, मिंगो, सिंपली पियानो, तो ये सब जितने भी एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस जो है ये ऑफिशियली प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। ये एप्लीकेशंस जो है ये रिसेंटली अपलोड हुआ है, तो इसका आप फायदा उठा सकती हो, जो कि डेमो वर्जन है, तो आसानी के साथ इसका आप फायदा उठा सकती हो। और जो तीसरा हिडन फीचर है वो है जब भी आप सर्च बार पे टाइप करती हो गूगल प्ले सर्विसेस, गूगल प्ले सर्विसेस यानी कि गूगल प्ले सर्विसेस आप जब भी टाइप करती हो तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विसेस एप्लीकेशंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि प्ले स्टोर से आपको गूगल प्ले सर्विसेस का एप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको गूगल पे ही जाना होगा। तो यहाँ पे आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल प्ले सर्विसेस मैंने टाइप किया तो ये मैं सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे पे आपको जो दिखाई दे रहा है एपीके मिरर, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गूगल प्ले सर्विसेस 10.0.84, यानी कि आप यहाँ से इसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है प्ले स्टोर पे, न जाने क्यों ये गूगल पे ही आपको मिलती है। और फोर्थ हिडन फीचर्स जो है वो भी आपको गूगल से ही मिलेंगे। गूगल पे हमें चलना होगा और यहाँ पे आपको इंडी कॉर्नर, इंडी कॉर्नर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको अवेलेबल दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी एप्लीकेशन, ये आप डायरेक्ट सर्च करती हो आप प्ले स्टोर पे तो ये आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है ये रिसेंटली अपलोड हुआ है, यानी कि आप अपने दोस्तों से पहले आप इसका फायदा उठा सकती हो। तो ये रिसेंटली अपलोड हुआ है यानी कि न्यू एप्लीकेशन है। और फिफ्थ हिडन फीचर्स जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बहुत से लोगों को पता ही होता है, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन आपने सर्च किया, सपोज कि आपने कोई भी एक गेम आपने सर्च किया और ये गेम आपको पसंद आया, सपोज कि ये सबवे सर्फर जो है ये गेम आपको पसंद आया, लेकिन अचानक से आपका प्ले स्टोर जो है वो रुक गया और बाद में आप सर्च कर रहे हो लेकिन आपको ये गेम्स दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे सिंपली जो ये आपको विश लिस्ट का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए। ये विश लिस्ट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ये बाद में भी आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी के साथ। जैसे कि ये ऐड हो चुका है तो ये चेक करने के लिए आपको बैक जाना होगा। बैक जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है विश लिस्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो जो हमने ऐड किया था ये यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों ये था पांच हिडन फीचर्स जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं। तो बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।
और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।